ये लैरावेल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट के साथ एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग क्रड ऑपरेशन करते हैं मॉडल और व्यू और कंट्रोलर का इस्तेमाल करके। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम करके एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया लैरावेल का। लैरावेल न्यू RMS लिखने से ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पूरे एप्लीकेशन में अपने तरीके से काम करते हैं, जैसे एक क्रड ऑपरेशन का काम होगा वो करेंगे, और साथ में इंसर्ट करना, कॉल करना या फिर इसमें सर्च करना, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फर्दर बनाएंगे हम लोग। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग है ना इस एप्लीकेशन को रन तक करा चुके हैं, ये देखिए, ताकि वीडियो का लेंथ लंबा ना हो। तो एप्लीकेशन में आप देख पाते हैं कि HTTP होता है, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स होते हैं, और रिसोर्स के अंदर में व्यू होता है, वहाँ पे व्यूज़ होते हैं, और अगर आपको राउट्स बनाना है तो आपके पास web.php होता है, और मॉडल तो आपको वहाँ पे एप्स के अंदर में फोल्डर मॉडल के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी फिलहाल नहीं करना है आपको, बस सबसे पहले क्या करना है कि अपना एक कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलर के साथ साथ आपको मॉडल भी बना देना, मॉडल के साथ साथ आपका माइग्रेशन भी बनना चाहिए। तो अगर आपने कंट्रोलर के टाइम में एम लिख दिया, -m लिख दिया, तो आपका मॉडल और माइग्रेशन दोनों बन जाता है। देखिए, PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर, और इसके बाद आप कंट्रोलर का नाम ले सकते हैं, जो कि हम नाम रख ले रहे हैं रिजल्ट कंट्रोलर। देखिए, नाम हमेशा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए जिसको देख के समझ में आए कि क्या काम करेगा ये। तो रिजल्ट कंट्रोलर रिजल्ट को कंट्रोल करेगा, यानी रिजल्ट के सारे इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा, रिजल्ट के सारे क्रड ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। इसमें हम लोग टेबल बनाने के डेटाबेस के लिए माइग्रेशन बनाएंगे। माइग्रेशन से हम जानते हैं लारावेल में टेबल बनता है, हम लोग डायरेक्ट टेबल नहीं बनाते हैं, तो माइग्रेशन से बनाते हैं। तो इसलिए -m लगा देंगे, -m लगाने से ये कंट्रोलर का मॉडल भी तैयार हो जाएगा, बहुत ईजी होगा यहाँ पे ऐसा करना। देखिए, तो जैसे -m लगा देंगे तो वो जब बनेगा कंट्रोलर, तो साथ में -m की वजह से उसका मॉडल भी बन के आ जाएगा। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, जो भी है मेरा ये बनने का समय लगेगा, तब तक हम अपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोलर बना है, सॉरी मेरी तरफ से, कि यहाँ पे सिर्फ कंट्रोलर बना है, मॉडल नहीं बना, तो इसके लिए अलग से कमांड भी लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। देखिए, यहाँ पे मेक कंट्रोलर की जगह मेक मॉडल हो जाएगा, ठीक है, और मेक मॉडल के साथ अगर माइग्रेशन चाहिए तो -m लगेगा। तो ये देखिए, मॉडल माइग्रेशन दोनों बन गया, मॉडल यहाँ पे है रिजल्ट नाम से, और माइग्रेशन आपको दिखेगा डेटाबेस फोल्डर के अंदर में, माइग्रेशन फोल्डर का सबसे आखिरी वाला कॉलम। तो आपको जो भी डेटाबेस के कॉलम रखने हैं वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। टेबल वेरिएबल चल ही रहा है, बस आपको उसमें एक्सटेंड कर देना है अपने सारे कॉलम्स को। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में नाम को पहले डालते हैं, इसी तरीके से नाम के बाद कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हमको, फादर नेम चाहिए और स्कूल का नाम चाहिए, ठीक है। तो हम स्कूल नेम करके एक कॉलम रख लेते हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम चाहिए, जैसे कि मैथ साइंस, तो हम सब जानते हैं कि मैथ साइंस वगैरह क्या होता है, कि वो इंटीजर होता है, तो हम इसमें इंटीजर लिख देते हैं, जिससे कि ये डेटा टाइप INT बन जाएगा। साइंस, SST, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो ये मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स को डिटेल किया, इसके टोटल मार्क्स भी हम लोग दिखाएंगे आउटपुट में, बट यहाँ पे रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग ER मॉडल के हिसाब से DBMS में हम लोग डिराइव मॉडल एट्रीब्यूट कहते हैं, जो कि नहीं होता है यहाँ पे, बट जो जा रखे सबको टोटल दिखा देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे रिजल्ट के लिए तैयार हो गया आपका मॉडल, माइग्रेशन तैयार हो गया। माइग्रेशन तैयार करने के बाद हमको क्या करना है, हमको अपना जहाँ पे इंसर्ट का पेज दिखाना है वो पेज तैयार करेंगे, home.blade.php, ठीक है। तो ये जो मेरा पेज है इसमें हम अपना HTML करेंगे, हम सब जानते हैं व्यू यूज़र से इंटरेक्शन करता है, बेसिक HTML कोड वगैरह डाल देना है। तो बेसिक HTML कोड में हम लिख देते हैं RMS, हालांकि आप इस RMS को यहाँ से ना लिख कर आप .env में जाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम लारावेल लिखा हुआ है, आप हिसाब से अपने हिसाब से रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ये एक से ज़्यादा वर्ड में है, इसलिए इसको डबल कोट्स में कवर करना ज़रूरी होगा, नहीं तो ये स्ट्रिंग दिक्कत देगा, सिर्फ रिजल्ट आएगा, मैनेजमेंट सिस्टम शायद ना आए, इसलिए इसको एक ग्रुप बनाना ज़रूरी है, डबल कोट्स में कर सकते हैं। इसके बाद इस वाला वेरिएबल ऐप नेम को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप टैम्पलेट इको कर लीजिए, यहाँ पर ब्लेड टैम्पलेट का इको डबल दो बार कर्ली ब्रैकेट होता है, env फंक्शन है जो कि env फाइल को एक्सेस करता है, और उसमें नाम क्या है, ऐप अंडरस्कोर नेम। तो आप ऐसे नेम ऐप नेम देख लीजिएगा, अगर आप मुझे वापस दिखाना होगा, यहाँ पे देखिए ऐप नेम नाम है कॉन्स्टेंट का, तो इसी नाम को यूज़ कर लेना है यहाँ पे env के बाद, तो वो वैल्यू जो वहाँ पे रखा है वो यहाँ आ जाएगा। जिसके बाद आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप लगा देना है। तो देखिए, getbootstrap.com पे जाएंगे और getbootstrap.com पे हम लोग यहाँ पर इसका लिंक लगा देंगे।
तो लिंक सीडीएन सब लगा रहे हैं और ये बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे इसको लिंक आउट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पे नेबर बनाना है, तो हम जल्दी से नेबर बनाते हैं। नेबर नेबर डैश, ये थोड़ा सा मुझे याद है, नेबर डैश एक्सपांड डैश एल जी, नेबर डैश मान लीजिए डार्क बी जी डैश सक्सेस, ये ग्रीन कलर का एक नेबर, इसके अंदर कंटेनर और ये ए टैग नेबर डैश ब्रांच, और इसके अंदर में हम आर एम एस लिख देते हैं, बाद में जो चीज़ें ज़रूरत होगी वो डालेंगे, ठीक है। तो आर एम एस, ठीक है, हालांकि आप चाहें तो वो दो बार कर्ली ब्रैकेट लगाकर आप यहाँ भी इन एन वी का नाम उठा सकते हैं। देखिए ऐप नेम, ये थोड़ा आसान होगा कि एक जगह बदलेंगे तो सब जगह बदला जाएगा। इसके बाद नीचे हम लोग एक कंटेनर बनाएंगे और कंटेनर में इंसर्ट करने के लिए कॉल डैश थ्री बना लेते हैं, इंसर्ट करने का पर्पज से यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। हालांकि इंसर्ट को अलग पेज में भी रखा जा सकता है, चलिए अलग पेज में ही रखेंगे, इसको 12 कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉलिंग करेंगे टेबल, ठीक है, टी आर टी एच, और ये हो गया आईडी, ये नेम, ये रहा फादर नेम, ये रहा कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से हम नीचे जाएंगे और स्कूल का नाम, स्कूल नेम के बाद कुछ सब्जेक्ट्स के नाम जैसे मैथ साइंस एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा टोटल मार्क्स यहाँ पे दिखाने हैं मुझे, ठीक है, मैं परसेंटेज कैलकुलेट भी कर लूँगा परसेंटेज, ठीक है। इसके अलावा डिवीज़न, क्या डिवीज़न आया है, और इसके अलावा एक्शन, ये सारी डिटेल यहाँ पे होगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये बस एक डमी टेबल बन गया, ठीक है। तो ये टेबल मेरा पहला पेज पे है, इंसर्ट करने का जो पर्पस है उसके लिए अलग पेज बनाएंगे, इंसर्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। होम पेज का लगभग चीज़ सेम होगा, इसलिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में भी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमको सिर्फ आधा में स्क्रीन में एम एक्स ऑटो लगाने से ये बीच में आ जाएगा। ऑफकोर्स मुझे टेबल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे फॉर्म बनाना है, तो मैं कार्ड का इस्तेमाल करूँगा, कार्ड हेडर में लिखूँगा यहाँ पे इंसर्ट न्यू रिजल्ट, ठीक है। इसके जस्ट नीचे मैं कार्ड का बॉडी बना लूँगा, ये बूटस्ट्रैप का कोड है, अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं मालूम तो मेरे चैनल पे दूसरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसके बाद फॉर्म, फॉर्म टैग मेथड पोस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे सी एस आर एफ होना चाहिए। लैरावेल में सी एस आर एफ सिक्योरिटी टोकन है जो कि आपको सी एस आर एफ नाम से डालना होगा। इसके बाद मार्जिन बॉटम थ्री और लेबल डालते हैं, जिसमें सबसे पहले नेम डिस्कस करते हैं। इसके जस्ट नीचे इनपुट टाइप है जिसका क्लास फॉर्म कंट्रोल होगा, और यहाँ पर हम लोग नेम डालेंगे नेम नेम नाम से स्पेलिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा डेटा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करे जब तक इंसर्ट ना हो। ओल्ड फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे, ओल्ड मेथड, इसमें नेम लिखना पड़ता है, और इसके अलावा अगर आपका कोई वैलिडेशन एरर होगा तो वो एरर इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पे बस लिखेंगे नेम और अंदर में पी का टैग लगा दीजिए ताकि लाल रंग में दिखे डेंजर, और थोड़ा टेक्स्ट स्मॉल दिखे तो स्मॉल लिख देते हैं हम। और यहाँ पर हमको मैसेज दिखाना है तो डॉलर मैसेज नाम का वेरिएबल यहाँ अवेलेबल होगा। एक कॉलम ये तैयार हो गया, इस तरह से हमको कई कॉलम बनाने हैं। जल्दी जल्दी में चार पहले कॉलम बनाते हैं जिसमें से नेम हो चुका है, और इसके बाद हम ये सब चीज़ें यहाँ पे एक साथ बदल देते हैं फादर नेम के लिए। और इसी तरीके से मैं आता हूँ नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, और फिर मैं आता हूँ स्कूल के नाम के लिए। ये यहाँ पर ये चारों जगह पर स्कूल नेम आ जाएगा, स्कूल नेम आ गया। अब इसके बाद मुझे चार पांच सब्जेक्ट चाहिए, तो पांच सब्जेक्ट जैसे मैथ साइंस एसएसटी हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो ये स्कूल नेम की जगह पे मैथ चाहिए हमको, मैथ्स, ठीक है। इसके अलावा मुझे चार कॉलम और चाहिए, तो एक दो तीन चार, मैथ्स तो हो गया है। इसके बाद साइंस की बारी, ये देखिए साइंस की बारी, और इसी तरीके से, ठीक है कोई बात नहीं, एसएसटी आज का हिंदी हिंदी कर देंगे, ये हो गया हिंदी। आगे पीछे हो सकता है, कोई हायरार्की की ज़रूरत नहीं। और ये लास्ट वाला इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। इसके लास्ट में मुझे सबमिट बटन लगाना है, तो मार्जिन बॉटम थ्री ताकि मेरा थोड़ा गैप रहे, और इनपुट टाइप बीटीएन, बीटीएन डैश सक्सेस, और डब्ल्यू डैश हंड्रेड का मतलब पूरा पूरा इसमें दिखे, ठीक है। मुझे इसका नाम की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि मेरा ये फॉर्म बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको सर्वर रन कर लेता हूँ, आर्टिसन सर्व। अब मैं इसके राउटिंग पे काम करता हूँ, तो सबसे पहले मेरा कंट्रोलर जो है उसका नाम है रिजल्ट कंट्रोलर, इसमें कुछ फंक्शंस यानी मेथड लगेंगे। तो पब्लिक
फंक्शन, और ये मेरा पहला पेज होगा जिसका नाम इंडेक्स होगा, जिसमें हम लोग बेसिकली होम पेज को रेंडर करेंगे। तो होम पेज मतलब होम सिर्फ लिखने से काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पेज जो होगा वो इंसर्ट के लिए होगा, उसका फंक्शन का नाम इंसर्ट रख लेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिटर्न व्यू, और ये इंसर्ट पेज को दिखाएगा, ठीक है। तो ये दो पेजेस मेरे तैयार हो गए। अब दोनों के राउट मैं तैयार करता हूँ। web.php के पास आता हूँ, यहाँ पे मुझे कंट्रोलर बुलाना होगा, क्योंकि कंट्रोलर में फंक्शन रखा हुआ है, इसलिए मुझे कंट्रोलर बुलाना होगा। app/ उसके बाद उसके http और स्लैश कंट्रोलर्स स्लैश रिजल्ट कंट्रोलर, जो कि मेरा नाम है। तो इस तरह से रिजल्ट कंट्रोलर यहाँ अवेलेबल हो गया। इस राउट जो फर्दर मुझे मिलता है बाय डिफॉल्ट, वो मैं हटा देता हूँ। उसका गेट मेथड और यहाँ पे स्लैश लगाने से ये हो रिजल्ट कंट्रोलर दो बार कॉलन क्लास और फंक्शन का नाम जो कि है इंडेक्स, और आपको एक नाम राउट का रख लेना चाहिए। तो हम इसका नाम होम रख लेते हैं, जो कि होम पेज को रिजल्ट दिखाएगा। दूसरा नाम मैंने बनाया है इंसर्ट के लिए, और इसके फंक्शन का नाम भी इंसर्ट है, और ये स्लैश पे नहीं चलेगा, स्लैश इंसर्ट लिखने पर आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास दो राउट गेट मेथड से बनके तैयार हो गया। मैं चेक कराता हूँ आपको, देखिए ये पहला पेज है, एंटर मार रहा हूँ, देखिए ये आउटपुट आ गया, और इसके बाद स्लैश इंसर्ट अगर मैं लिखूंगा तो इससे इंसर्ट का फॉर्म आ जाएगा। क्या बात है, मेरा दोनों पेज तैयार हो गया। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ रिजल्ट कंट्रोलर में हम इंसर्ट कराएंगे डेटा को, और उसके सबमिशन वगैरह को देखेंगे। तो देखिए अगर आपको गेट और पोस्ट दोनों एक ही जगह पे करना है तो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको डिपेंडेंसी इंजेक्टर रिजल्ट रिक्वेस्ट को डालना होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट क्योंकि डेटा आएगा इसमें, तो वो रिक्वेस्ट से ही आएगा। req नाम रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें हम लोग वैलिडेशन का काम करते हैं। तो डॉलर डाटा जिसमें वैलिडेटेड डेटा स्टोर होगा, और ये req एरो वैलिडेट। अब वैलिडेट में एक एरे पास करना है, और आपको सभी कॉलम को वैलिडेशन के सारे रूल्स यहाँ पे बता देने हैं, जैसे कि नेम, और आपको क्या चाहिए रूल में, सिर्फ हमको रिक्वायर्ड है, यानी कि खाली नहीं होना चाहिए। तो नेम एक कॉलम हो गया, इस तरीके से आपको फादर, इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरीके से आपको स्कूल नेम, और सारे सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट को वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट पोस्ट मेथड से होगा, इसलिए मुझे ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ़ अगर रिक्वेस्ट का मेथड req एरो मेथड, अगर मेथड मेरा पोस्ट है तो ही ये कोड काम करे, नहीं तो क्या होगा, ये पोस्ट वाला मेथड अलग फंक्शन में बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम एक साथ ही बना सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए मुझे इसमें यहाँ पे गेट मेथड सिर्फ नहीं, इंसर्ट में यहाँ पे मैच लिखना होगा। मैच से क्या होगा, हम लोग दो मेथड को एक साथ डाल सकते हैं, कि हम पहला पैरामीटर बता देंगे कि देखो गेट भी एक्सेप्ट कर लेना और पोस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेना। तो एक ही फंक्शन पे गेट और पोस्ट दोनों ला सकते हैं मैच लगाकर, इससे हम लोग थोड़ा सा राउट डबल बनाने से बच जाएंगे, एक गेट का पोस्ट का अलग अलग बनाने से बच गए। तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से इसको रीट्राई करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। ये सेम पेज है, और देखिए इसमें सबमिट करने पर कोई भी रिक्वेस्ट रेंडर नहीं हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि जब ये नहीं हुआ, इसका मतलब मेथड शायद ये वाला काम नहीं किया, मुझे चेक कर लेना चाहिए। देखिए DD मेथड होता है जो कि टेस्ट कर सकते हैं। DD मतलब होता है डाई एंड डंप। डाई एंड डंप का मतलब ये इटरेशन, मतलब यहाँ पे कोड को रोक दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये टेस्ट मैसेज आ जाता है, इसका मतलब हम इफ में आए हैं। अगर नहीं आता, इसका मतलब इफ में हम नहीं आ पाए हैं। दोबारा चेक करते हैं, देखिए हम इफ में नहीं आए, इसका मतलब ये मेथड में कुछ गलती है, मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ। देखिए शायद मेथड में पोस्ट यहाँ लिखना होगा, तो हाँ देखिए, तो मैंने जब यहाँ पोस्ट लिखा तो ये काम किया, और जब मैं सबमिट नहीं करूँगा तो नॉर्मली मुझे फॉर्म दिखना चाहिए। चेक करूँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये टू मैनी रिडायरेक्ट हो रहा है और ये बार बार रिटर्न हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ ये सही है। ये सही नहीं है शायद पोस्ट, ये वेरिएबल वैल्यू के साथ, ये इंसर्ट तो ठीक है, और ये सबमिट करके देखूँ डाई एंड डंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चेक करना होगा। DD ठीक है, टेस्ट फिलहाल के लिए सबमिट। तो देखो डाई एंड डंप, ये कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं लारावेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखता हूँ कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नाम से मुझे मिलेगा
रिक्वेस्ट नाम से मुझे मिलेगा यहाँ पर। फिलहाल मेथड को कैसे चेक करना है वो देख लेते हैं। तो सर्च करते हैं मेथड, किस मेथड से हम कर रहे हैं वो कैसे बताएगा। पाथ होस्ट क्वेरी, हाँ मेथड इज़ मेथड। ओह मेरी गलती छोटी सी, इसमें फंक्शन है इज मेथड और इज मेथड पोस्ट। क्या ये पोस्ट मेथड है? इतना करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं भूल गया था, यहाँ पे इज मेथड लगाना था, ठीक है। अब मैं देखता हूँ डाई एंड डम्प काम कर रहा है कि नहीं। देखिए डाई हो रहा है और इसके बाद ब्लैंक पे ये फॉर्म दिखना चाहिए, बहुत अच्छा। तो ये काम कर रहा है, अब मैं टेस्ट कर लिया, ये सही है, ये मेथड सही है। इज मेथड लगता, मेथड नहीं लगता। तो क्या ये मेथड पोस्ट है? अगर होगा तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अब सबमिट करेंगे ब्लैंक हम, तो देखेंगे वैलिडेशन का मैसेज आता है कि नहीं। तो देखिए वैलिडेशन का मैसेज सब में है कि नहीं है, इसमें चेक करो, इसके इसमें 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 सब में चेक आ रहा है, एकदम बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जब डेटा मिल जाए हमको, तो उसको हमको उसका इंसर्शन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल को बुला लेंगे, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल स्लैश रिजल्ट। ये मेरा इंपोर्ट हो गया। और नीचे आने के बाद हम यहाँ लिखेंगे डॉलर, मान लो डन, मान लो वेरिएबल का नाम, और रिजल्ट दो बार कॉलन क्रिएट, और ये डाटा पास कर देंगे। और उसके बाद रीडायरेक्ट करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट, और कहाँ रीडायरेक्ट करना है, तो राउट नाम है होम, होम पेज पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये रीडायरेक्ट होम पेज पे करेगा। अब हम जब डेटा इसमें फिल करेंगे तो हमको एक एरर आएगा, वो आएगा फिलेबल का एरर, ठीक है। आपका डेटा अलाउड नहीं है इंसर्ट होने के लिए, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मॉडल के पास। यही चीज़ तुम्हारा अभी एरर था, यहाँ पे आना है तुमको, प्रोटेक्टेड लिखना है, उसके बाद GURD रिगार्डेड ब्लैंक डाल देना है, जिसके बाद क्या होगा, आप ये फिलेबल अलाउड हो जाए। अब मैं इंसर्ट करता हूँ, रॉक राम, कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, ठीक है, और इंसर्ट करता हूँ। देखिए ये क्या होता है, ये इंसर्ट का प्रोसेस को कैसे लेता है। पता नहीं क्या एरर आएगा। उसके बाद मैं कॉलिंग का काम तब तक करता हूँ। कॉलिंग के लिए मुझे यहाँ डॉलर डाटा एक वेरिएबल बना देना है, और जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं वो आप एक की नाम से बना लीजिए, उसी नाम से वेरिएबल वहाँ पे यूज़ होगा। रिजल्ट्स जो आपका रिजल्ट मॉडल है उसमें ऑल लगा दीजिएगा, तो ये डेटा ऑल हो जाएगा। याद रखिए ये डॉलर डेटा सेकंड पैरामीटर पास करेंगे तभी तो होम पे जाएगा। अब होम के पास पहुँच जाएंगे, वहाँ कॉलिंग होगा, तो होम है आपका यहाँ पे, कॉलिंग होगा, तो कॉलिंग होगा तो आपको यहाँ पे TR लूप में ले लेना है, ठीक है। फॉर ईच लूप में आप यहाँ पे डॉलर रिजल्ट्स वही की का नाम लिखेंगे, और जो एज आइटम है कुछ भी नाम हो सकता है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। तो आप ये TR डालेंगे, TG डालेंगे, और आपका लूप में डेटा आ गया। अब जो भी नाम आपका आइटम है या कुछ भी नाम है उससे आप डेटा को फेच कर लीजिए, नेम, फादर, ये सब डेटा बेस के कॉलम के नाम है जो आपको डाल देने हैं। यहाँ पे वो की का नाम एक्चुअल में यहाँ पे होता है एरे में, स्कूल नेम। इसके अलावा क्या है, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे मुझे नो कनेक्शन एरर आ रहा है। एक्चुअल में मैं डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया ही नहीं था। तो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ये हो गया मेरा ENV फाइल, और यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस का नाम यहाँ पे सबमिट हुआ RMS नाम से। अब मैंने कोई जैम से ओपन भी नहीं किया कोई, तो मेरी वजह ये यहाँ पे फेल हो गया कनेक्शन। दोबारा से जैम खोलता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसको दोनों को, और मुझे मिलेगा एक्सेस PHP माई एडमिन का, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, जो मैं जैम खोलने के बाद खोल सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पे मैं RMS नाम से बना लूँगा, ठीक है। RMS, ठीक है, और RMS नाम से जो मैंने बना लिया, अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मुझे माइग्रेट करना है। ये ध्यान रखिए, आपका माइग्रेशन बनने के बाद माइग्रेट नहीं करेंगे तो डेटाबेस तैयार ही नहीं होगा। कि सारे टेबल तैयार हो गए, वापस से रन कीजिए, आपके टेबल तैयार हैं, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कीजिए, शायद ये इंसर्ट दे ले। तो रिफ्रेश किया, देखिए इंसर्ट भी ले लिया और डेटा भी इंसर्ट, कॉलिंग भी हो गया। तो यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी होगा, यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट डे का वीडियो में टोटल परसेंटेज वगैरह देखेंगे, एक्शन में डिलीट, एडिट और सर्च वगैरह बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।